हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू किसाई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हमारी जो सक्सेस एवेन्यू की बुक है, नए सिलेबस की ये बुक है, इसका जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है इंग्लिश का, वो हम देखने जा रहे हैं क्या सिलेबस है। तो सेमेस्टर टू में आपके चार चैप्टर दिए गए हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज़ इंदिरा नुई ए कॉरपोरेट जायंट, द सेकंड वन इज़ एप्रो JRD, सुधा मूर्ति ने इसे लिखा है, थर्ड वन इज़ फॉर रिटन बाय साकी और यूनिट फोर है आपकी आफ्टर 20 ईयर्स जो कि ओ हैनरी ने लिखी है। इस सेमेस्टर में आपकी दो पोएट्री हैं, पहली है ओ कैप्टन माय कैप्टन और दूसरी यूनिट है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर जो कि YB Yeats ने लिखी है और पहले वाली जो है वो आपकी वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। उसके बाद आपके सिलेबस में है लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग एंड ईमेल्स, फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। इसमें से हम जो दूसरा चैप्टर है एप्रो JRD, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है आपका। इंग्लिश की बुक आपकी है सक्सेस एवेन्यू, तो इसके हर चैप्टर को हम रीड करेंगे। इसमें हम एप्रो JRD जो आपका सेकंड यूनिट है, एप्रो JRD रिटन बाय सुधा मूर्ति, इस चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को रीड करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। उसके अलावा इसे हम लाइन वाइज पढ़ेंगे, तो साथ के साथ एक एक मीनिंग जो है वो भी हम देखते हुए जाएंगे कि क्या किस जगह किस चीज़ का क्या मीनिंग है। तो चलिए हम हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। यूनिट का नाम है एप्रो JRD। एप्रो का मतलब होता है गुजराती में हमारा, मतलब अवर। JRD जो है रतन टाटा जी का फुल नेम है और इनका फुल नाम है JRD। JRD का मतलब है जहांगीर रतनजी दादा भोए टाटा, आगे टाटा भी लेकिन चैप्टर में सिर्फ JRD लिखा है। JRD का मतलब है जहांगीर रतनजी दादा भोए। और सुधा मूर्ति जी ने ये चैप्टर लिखा है, सुधा मूर्ति जी के बारे में है ये। यहाँ पर पहले अबाउट दी ऑथर, सुधा मूर्ति बॉर्न 1950 इज एन इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट, फिलान्थ्रोपिस्ट एंड राइटर। सुधा मूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और वो क्या है? इज़ एन इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो प्रौद्योगिकी विद होते हैं, वो एक भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट है। फिलान्थ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी हैं एंड राइटर और एक लेखिका हैं। शी वॉज बॉर्न इन कर्नाटका एंड स्टडीड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। शी वॉज बॉर्न इन कोलकाता, कर्नाटका। उनका जन्म जो है वो कर्नाटक में हुआ था एंड स्टडीड कंप्यूटर साइंस, और उन्होंने कंप्यूटर साइंस की स्टडी की एंड इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग कहाँ पे की उन्होंने? एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान में उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग का अध्ययन स्टडी किया था। शी वॉज एकेडमिकली ब्रिलियंट एंड वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट एट बोथ द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। शी वॉज एकेडमिकली ब्रिलियंट, वो अकादमिक रूप से, एकेडमिकली रूप से मतलब, एकेडमिकली मतलब अकादमिक रूप से, एकेडमिकली वो बहुत प्रतिभाशाली थी, ब्रिलियंट थी, ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली, वो बहुत प्रतिभाशाली थी एंड वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट, और उनको जो है गोल्ड मेडल मिला था। कब कब मिला था? एट बोथ द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, मतलब उनको अंडर ग्रेजुएट मतलब जो स्नातक लेवल है, जो आप ग्रेजुएशन लेवल है आपका, अंडर ग्रेजुएट वो यानी कि स्नातक लेवल पर, एंड पोस्ट ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्तरों पर उन्हें जो था गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक मिला था। शी बिगन हर करियर विथ टेल्को, उन्होंने टेल्को के साथ अपना करियर शुरू किया एंड इन 1981 में फाउंडेड इन्फोसिस विद हर हस्बैंड नारायण मूर्ति, और 1981 में उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस की स्थापना की। इन्फोसिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी इन इंडिया टुडे। आज भारत में इन्फोसिस जो कंपनी है वो भारत में दूसरी सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी है, सर्विसेज कंपनी इन इंडिया टुडे एंड इज ए हाउस होल्ड नेम, और ये एक घरेलू नाम है। इन 1996 में मूर्ति स्टार्टेड द इन्फोसिस फाउंडेशन एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच सपोर्ट्स प्रोग्राम इन द फील्ड्स ऑफ हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड आर्ट। 1996 में मूर्ति ने क्या किया था? मूर्ति का फुल नेम क्या है? नारायण मूर्ति, अभी ऊपर बताया है आपको। 1996 में मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की, जो एक गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गैर लाभकारी यानी कि जो प्रॉफिट
प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का संगठन किया जो स्वास्थ्य सेवा विच सपोर्ट्स मतलब जो हेल्प करती है, सपोर्ट करती है किस प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ, कौन कौन से फील्ड में, मतलब जो स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर के फील्ड में, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, एंड आर्ट के क्षेत्र में कार्यक्रमों का समर्थन सपोर्ट करती है। कौन करती है, जो नारायण मूर्ति की इन्फोसिस फाउंडेशन है, जिसे उन्होंने क्या बनाया है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। और कब बनाया है उन्होंने इसको, 1996 में। आगे देखते हैं, शी बिगेन राइटिंग इन द लेटर ईयर्स ऑफ हर लाइफ। और सुधा मूर्ति जी ने अपने बाद के जीवन में, मतलब लेटर ईयर्स ऑफ हर लाइफ मतलब अपने बाद के जीवन में उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में बाद के वर्षों में उन्होंने जो था वो लिखना शुरू किया। लेटर ईयर्स ऑफ हर लाइफ मतलब बाद के वर्षों में अपने जीवन के, डॉक्यूमेंटिंग हर वेरिड एक्सपीरियंसेस एज ए वीमेन इन द देन नेसेंट आईटी इंडस्ट्री। देन नेसेंट मतलब उस समय की, जो तत्कालीन नवजात, नेसेंट मतलब नवजात जो आईटी उद्योग था उस समय। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तत्कालीन नवजात जो आईटी उद्योग था, देन नेसेंट आईटी इंडस्ट्री में एक महिला के रूप में, सामाजिक कार्य में और एक शिक्षक के रूप में अपने विविध अनुभवों को, वेराइड एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंटेशन यानी कि दस्तावेजीकरण करना शुरू किया। मतलब जो भी उनका अनुभव था, किस किस के रूप में, एक सामाजिक कार्य के रूप में, शिक्षिका के रूप में, जो भी उनका वर्क एक्सपीरियंस था, वो सब उन्होंने क्या किया, पेन डाउन करना यानी कि डॉक्यूमेंटिंग करना शुरू कर दिया, अपने विभिन्न अपने जो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस थे उन सबको एक महिला के रूप में, इन सोशल वर्क एंड एज ए टीचर। सोशल मतलब एक जो सामाजिक कार्य करता है उसके रूप में भी और एक शिक्षिका के रूप में भी। शी इज़ ए प्रोलिफिक राइटर इन बोथ कन्नड़ा एंड इंग्लिश। और वो दोनों में एक बहुत ही अच्छी लेखिका है, किस किस में, कन्नड़ में भी, वह कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों में एक विपुल प्रोलिफिक लेखिका है, मतलब एक बहुत ही अच्छी लेखिका है, किसमें, वो प्रोलिफिक राइटर मतलब बहुत ही विपुल लेखिका है, किसमें, बोथ दोनों भाषाओं में, कन्नड़ में भी और अंग्रेजी में भी। एंड हैज पब्लिश्ड नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, एसेज एंड ट्रेवलॉग्स। और उन्होंने क्या क्या किया है, देखिए उन्होंने बहुत सारी जो नॉवेल्स हैं वो पब्लिश किए हैं, और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, और बहुत सारी शॉर्ट यानी कि लघु कहानी संग्रह जो होता है, मतलब उपन्यास, लघु कहानी संग्रह, एसेज मतलब निबंध, एंड ट्रेवलॉग्स होते हैं यात्रा वृत्तांत, बिसाइड्स कॉलम इन न्यूज़पेपर्स। मतलब सिर्फ समाचार पत्रों में कॉलम नहीं लिखा उन्होंने, समाचार पत्रों में कॉलम के अलावा उन्होंने उपन्यास भी लिखे, लघु कहानी संग्रह भी लिखा है, निबंध भी लिखे हैं, और जो ट्रेवलॉग्स हैं यानी कि यात्रा वृत्तांत हैं वो भी प्रकाशित किए हैं, पब्लिश्ड किए हैं मतलब प्रकाशित किए हैं। हर वेल नोन वर्क्स इंक्लूड, और उनके जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, पहली ये है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, दूसरी है दी ओल्ड मैन एंड हिज गॉड, तीसरी है डिस्कवरिंग द स्पिरिट ऑफ इंडिया, फिर है फोर्थ वन है द मैजिक ड्रम एंड अदर फेवरेट स्टोरीज, फिर यहाँ पर है द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, लाइफ स्टोरीज फ्रॉम हियर एंड देयर, एंड ग्रैंड माज बैग ऑफ स्टोरीज, और दादी माँ की कहानियों का थैला, ग्रैंड माज बैग ऑफ स्टोरीज मतलब दादी माँ की कहानियों का थैला। ये क्या है, ये उनकी जो काफ़ी फेमस, जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं, वेल नोन वर्क्स हैं वो, वेल नोन वर्क्स में जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं वो हैं। नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं। अबाउट द टेक्स्ट इन दिस एसे शी रेमिनिसेस अबाउट जे आर डी टाटा। और इस पाठ में, इस निबंध में, ये निबंध है, एक ऐसे है, इस ऐसे में वो हमें क्या दिलाती है, शी रेमिनिसेस अबाउट जे आर डी टाटा, वो जे आर डी के टाटा के बारे में याद दिलाती है, रेमिनिसेस मतलब याद दिलाती हैं, हु गेव हर फर्स्ट ब्रेक इन हर करियर एज एन इंजीनियर, जिन्होंने उन्हें एक इंजीनियर के रूप में अपने कैरियर में पहला ब्रेक दिया, जे आर डी टाटा ने उनको एज एन इंजीनियर फर्स्ट ब्रेक दिया था। शी टॉक्स ऑफ द ग्रेट मैन सिंप्लिसिटी एंड विजन एंड हाउ ही इन्फ्लुएंस्ड हर ओन जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर एंड फिलान्थ्रोपिस्ट, वे उस महान व्यक्ति की सादगी, शी टॉक्स ऑफ द ग्रेट मैन मतलब महान व्यक्ति की सादगी, सिंप्लिसिटी के बारे में एंड विजन और दूरदृष्टि के बारे में बात करती हैं, और कैसे उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी, परोपकारी के रूप में अपनी यात्रा को प्रभावित किया, मतलब जे आर डी टाटा ने कैसे उनकी जो यात्रा है उसमें कैसे एक एंटरप्रेन्योर, एक मतलब उद्यमी, और एक फिलान्थ्रोपिस्ट मतलब एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में कैसे प्रभावित किया उन्होंने उनकी इस यात्रा को।
APROGEARD, यहाँ से आपका चैप्टर जो है वो रीड होता है। अभी तक हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा कि क्या क्या इस टेक्स्ट में है, और जो सुधा मूर्ति जी इस टेक्स्ट की राइटर है उनके बारे में पढ़ा है। अब हम हमारा जो चैप्टर है वो रीड करेंगे। देयर आर टू फोटोग्राफ्स दैट हैंग ऑन माई ऑफिस वॉल। मेरे मतलब मेरी जो वो कह रही है कि मेरे जो कार्यालय की दीवार है उस पर दो तस्वीरें टंगी हुई हैं। देयर आर टू फोटोग्राफ्स दैट हैंग ऑन माई ऑफिस वॉल। हैंग मीन्स लटके हुए हैं, टंगे हुए हैं। मेरे ऑफिस की दीवार पर दो फोटोग्राफ्स टंगे हुए हैं। एवरी डे वेन आई एंटर ऑफिस आई लुक एट दैम। हर दिन जब मैं ऑफिस में प्रवेश करती हूँ, घुसती हूँ, एंटर करती हूँ, आई लुक एट दैम बिफोर स्टार्टिंग माई डे। तो अपने दिन को शुरू करने से पहले मैं उन फोटोज़ की तरफ देखती हूँ। कौन कह रहा है ये? सुधा मूर्ति जी बोल रही है, मतलब ये सुधा मूर्ति जी का ने लिखा है तो हम उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। व्हेन आई, वो कह रही हैं कि जब मैं हर दिन अपने ऑफिस में एंटर, मतलब प्रवेश करना, कि जब हर दिन मैं अपने ऑफिस में जाती हूँ, एंटर करती हूँ, प्रवेश करती हूँ, आई लुक एट दैम बिफोर स्टार्टिंग माई डे। तो अपने दिन को शुरू करने से पहले मैं उन दोनों तस्वीरों की तरफ देखती हूँ। देयर आर पिक्चर्स ऑफ टू ओल्ड पीपल। वहाँ दो बूढ़े लोगों की तस्वीरें हैं। वन ऑफ ए जेंटलमैन इन ए ब्लू सूट। एक व्यक्ति, एक जेंटलमैन जो कैसा है, जिस इन ए ब्लू सूट, जो नीले रंग का सूट पहने हुए हैं। एंड दी अदर ए ब्लैक एंड वाइट इमेज ऑफ ए मैन विद ड्रीमी आइज एंड ए वाइट बियर्ड। और दूसरी एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, मतलब पुराने ज़माने में आपको पता है ना, कलर्ड कैमरे नहीं आते थे तो कलर्ड फोटोज़ नहीं खींचती थी, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही फ़ोटोज़ खींचती थी। और एक जो फ़ोटो है वो कैसी है, वो एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है स्वप्निल आँखें और सफ़ेद दाढ़ी वाले व्यक्ति की। ड्रीमी आइज़ मतलब स्वप्निल आँखें और एंड ए वाइट बियर्ड और सफ़ेद दाढ़ी वाले। अब ये दो व्यक्ति कौन है इसके बारे में अगले पैराग्राफ में पता चलेगा। पीपल हैव आस्क्ड मी इफ़ द पीपल इन द फोटोग्राफ्स आर रिलेटेड टू मी। और लोग प्राय मुझसे पूछते हैं कि ये जो दो फोटो आपके ऑफिस में टंगी हुई है और ये जो दो व्यक्ति हैं, क्या ये आपके रिश्तेदार हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से ये आपसे कनेक्टेड है। सम हैव इवन आस्क्ड, और कुछ ने तो यहाँ तक मुझसे पूछा है, इज़ दिस ब्लैक एंड वाइट फोटो दैट ऑफ ए सूफी सेंट और ए रिलीजियस गुरु। और बोल रहे हैं कि कुछ ने तो मुझसे ये भी पूछा है कि क्या ये जो ब्लैक एंड वाइट फोटो है ये किसी सूफी संत या किसी धार्मिक गुरु की है। सूफी सेंट मतलब सूफी संत और ए रिलीजियस गुरु मतलब कोई धार्मिक गुरु या फिर किसी धार्मिक गुरु की है। आई स्माइल्ड एंड रिप्लाई, मैं हंसती हूँ और जवाब देती हूँ, नो नहीं, नॉर आर दे रिलेटेड टू मी, ना ही तो ये मुझसे रिलेटेड है, संबंधित है, मतलब मेरे कोई संबंधित रिश्तेदार नहीं है। दिस पीपल मेड एन इंपैक्ट ऑफ माई लाइफ, इन और ना ही ये कोई संत हैं। दिस पीपल मेड एन इम्पैक्ट ऑफ माई लाइफ, इन लोगों ने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला है। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव डालना। दिस पीपल मेड एन इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, इन लोगों ने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला है। आई एम ग्रेटफुल टू देम, मैं इनकी आभारी हूँ। ग्रेटफुल मीन्स आभारी होना। हु आर दे, ये कौन है? द मैन इन द ब्लू शर्ट इज़ भारत रत्न JRD टाटा। जो मैन ब्लू शर्ट में है वो भारत रत्न JRD टाटा हैं। ब्लू सूट मतलब नीले सूट में जो व्यक्ति हैं वो भारत रत्न JRD टाटा हैं। एंड द ब्लैक एंड वाइट फोटो इज जमशेद जी टाटा। और जो ब्लैक एंड वाइट फोटो है, यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट यानी कि श्वेत शाम जो फोटो है पुराने ज़माने की, वो कौन है? वो जमशेद जी टाटा की फ़ोटो है। बट वाई डू यू हैव दैम इन योर ऑफिस, लेकिन आप इन दोनों को मतलब अपने ऑफिस में क्यों रखती हो? आपने इन्हें अपने कार्यालय में क्यों रखा है? अपने ऑफिस में क्यों इनकी फ़ोटो रखी है? यू कैन कॉल इट ग्रेटिट्यूड देन वेरी, वो कहती हैं अब उनको कि आप इसे आभार व्यक्त करना कह सकते हैं, मतलब कि भाई मैंने ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए मैंने ये फ़ोटो रखी है। देन वेरिए इन वेरिएबली, और तब निर्विवाद रूप से मतलब निरपवाद रूप से आई हैव टू टेल द पर्सन द फॉलोइंग स्टोरी। फिर मुझे निरपवाद रूप से उस व्यक्ति को ये कहानी सुनानी पड़ती है। इट वॉज़ ए लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग टाइम एगो मतलब बहुत समय पहले की बात है। आई वॉज यंग एंड ब्राइट, मैं एक युवा एंड ब्राइट मतलब उज्जवल, मैं एक यू आई वॉज यंग एंड ब्राइट बोल्ड एंड आइडियलिस्टिक, मैं युवा उज्जवल साहसी और आदर्शवादी। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी, बोल्ड मतलब साहसी, ब्राइट मतलब उज्जवल और यंग मतलब युवा। जब मैं एक युवा साहसी आदर्शवादी और साहसी बोल्ड लड़की थी। I was in the final year of my master's course in computer science at the Indian Institute of Science IISc in Bangalore, then known as the Tata Institute. मैं बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज़ IISc मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान, मैं बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान में कंप्यूटर विज्ञान यानी कि कंप्यूटर साइंस में अपने मास्टर्स कोर्स पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थी, जबकि वो ये बात बता रही हैं। और जो IISc है जिसे तब टाटा संस्थान के रूप में यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता था,
लाइफ वॉज फुल ऑफ फन एंड जॉय, और जीवन मस्ती और आनंद से भरा हुआ था. फन एंड जॉय मीन्स मस्ती और आनंद. आई डिड नॉट नो वॉट हेल्पलेसनेस और इनजस्टिस मीन, और मैं जानती ही नहीं थी कि जो हेल्पलेसनेस है यानी कि लाचारी है वो क्या है, और इनजस्टिस अन्याय, मतलब मुझे नहीं पता था कि लाचारी और अन्याय जो है वो क्या होता है. इट वॉज प्रोबेबली इन अप्रैल ऑफ 1974 का शायद, प्रोबेबली मतलब शायद, वह शायद 1974 का अप्रैल था. बेंगलोर वॉज गेटिंग वार्म एंड रेड गुलमोहर्स वर ब्लूमिंग एट द IISc कैंपस. बेंगलोर गर्म हो रहा था और जो लाल गुलमोहर के पेड़ थे, फूल थे, वो जो थे IISc कैंपस यानी कि IISc परिसर में लाल गुलमोहर के फूल जो है वो खिल रहे थे, ब्लूमिंग मतलब खिल रहे थे. आई वॉज सी ओनली गर्ल इन माई पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट एंड वॉज स्टेइंग एट द लेडीज हॉस्टल. मैं अपने, मतलब वो कह रही है कि मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट यानी कि स्नातकोत्तर विभाग में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट में मैं अकेली लड़की थी और महिला छात्रावास यानी कि लेडीज हॉस्टल में जो थी वो रह रही थी. अदर गर्ल्स वर परसुइंग रिसर्च इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस, और जो दूसरी लड़कियाँ थी वो, बाकी लड़कियाँ जो थी वो क्या कर रही थी, वो विज्ञान के विभिन्न विभागों में जो है वो शोध कार्य यानी कि रिसर्च कर रही थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में साइंस के. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड टू कम्प्लीट ए डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस, और उनका उसके बाद क्या करने का इरादा था, मुझे अमेरिका के जो, मतलब उनको कंप्यूटर विज्ञान में डॉक्टरेट पूरा करने के लिए विदेश जाने की आशा वो कर रही थी. आई हैड बीन ऑफर्ड स्कॉलरशिप्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन US, और US में, मतलब जो US से उनको अमेरिका के विश्वविद्यालयों से उनको जो है छात्रवृत्ति की पेशकश भी की गई थी, स्कॉलरशिप की पेशकश, स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति की जो है उन्हें पेशकश भी की गई थी. आई हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप ए जॉब इन इंडिया, और मैंने भारत में नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा था. मतलब यहाँ तक वो क्या कह रही है कि वो आराम से IISc में पढ़ती थी बैंगलोर में, और उनको इंडिया में जॉब करने की कोई इच्छा नहीं थी, उनको अपनी डॉक्टरेट पूरी करने के लिए US जाना था, और US के कई कॉलेजेस से उनको स्कॉलरशिप भी ऑफर हो रही थी. पेज एंड हो गया, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं. वन डे वाइल ऑन द वे टू माई हॉस्टल फ्रॉम अवर लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, एक दिन हमारे जो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स था यानी कि लेक्चर हॉल जो परिसर था उससे अपने हॉस्टल में, अपने छात्रावास के रास्ते में, मतलब जब वो अपने लेक्चर को अटेंड करके अपने हॉस्टल वापस जा रही थी, आई सा एन एडवर्टाइजमेंट ऑन दी नोटिस बोर्ड, तो मैंने नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन देखा. मतलब कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड था उस पर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा. इट वॉज ए स्टैंडर्ड जॉब रिक्वायरमेंट नोटिस फ्रॉम दी फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, नाउ टाटा मोटर्स. टेल्को का नाम अब टाटा मोटर्स हो गया है. वो कह रही है कि वो एक मानक नौकरी स्टैंडर्ड जॉब के लिए, स्टैंडर्ड जॉब मतलब एक मानक नौकरी, एक स्टैंडर्ड जॉब की आवश्यकता रिक्वायरमेंट के लिए वो नोटिस था, जो कि फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टेल्को ने, वो जो प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को है उसकी ओर से एक स्टैंडर्ड जॉब की रिक्वायरमेंट का नोटिस था. और इट स्टेटेड दैट द कंपनी हैड एक्सेलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड एटसेट्रा, और इसने कहा कि कंपनी की जो है बहुत उत्कृष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि आदि थी, मतलब एक्सेलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड एटसेट्रा, मतलब यही सब उसमें लिखा हुआ था. एट द बॉटम और सबसे नीचे वॉज ए स्मॉल लाइन, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, कि महिला, मतलब वो कह रही है कि सबसे नीचे एक छोटी सी पंक्ति लिखी हुई थी कि महिला उम्मीदवारों को जो है आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि जो महिला उम्मीदवार हैं वो आवेदन ना करें इस जॉब के लिए. आगे देखते हैं. आई रीड इट एंड वॉज वेरी अपसेट, वो कह रही है कि मैंने इसे पढ़ा और बहुत परेशान हुई. फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज अप अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मैं अपने जीवन में पहली बार जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, जो लैंगिक भेदभाव था, उसके खिलाफ मैं खड़ी हुई थी. आई वॉज अप मतलब मैं खड़ी हुई थी अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ. मतलब वो एडवर्टाइजमेंट जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि कोई भी लेडी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई ना करे नौकरी के लिए, वो पढ़कर उनको बहुत बुरा लगा, दुख हुआ कि आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो लैंगिक भेदभाव है वो हो रहा है. दो आई वॉज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप ए जॉब, हालांकि मैं नौकरी करने की इच्छुक नहीं थी, कीन ऑन मतलब इच्छुक होना, टेकिंग अप ए जॉब मतलब नौकरी करने के लिए, आई सॉ दिस एज ए चैलेंज, लेकिन मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया. आई हैड डन एक्सट्रीमली वेल इन एकेडमिक्स, बेटर देन मोस्ट ऑफ माई मेल पीयर्स, मैंने एकेडमिक्स में जो है अपने पुरुष साथियों यानी कि मेल पीयर्स मतलब जो पुरुष साथी थे जिनके साथ वो पढ़ती थी, पीछे उन्होंने बताया ना कि मैं अकेली थी, मतलब वो कंप्यूटर साइंस में अकेली लड़की थी,
वो कह रही है कि जो मेरे मेल पीयर्स थे मैंने उनसे अच्छा किया था और पीछे आया भी है, आपने देखा है ना उनको ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे दोनों पर वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो वो कह रही है कि मैंने जो था अच्छा किया था, आई हैड डन एक्सट्रीमली वेल इन एकेडमिक्स बेटर देन मोस्ट ऑफ माई मेल पीयर्स, कि अपने अधिकांश पुरुष साथियों की तुलना में एकेडमिक्स में मैंने बहुत अच्छा किया था। लिटिल डिड आई नो देन दैट इन रियल लाइफ एकेडमिक एक्सेलेंस इज नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल, तब मुझे नहीं पता था कि वास्तविक जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस ही काफ़ी नहीं है। मतलब उन्हें तो लगता था कि भाई हमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उस समय वो कह रही है कि मैं बहुत, मतलब मुझे पता ही नहीं था, मैं बहुत वास्तविक जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस ही काफ़ी नहीं है, नॉट इनफ मतलब काफ़ी नहीं है टू बी सक्सेसफुल सफल होने के लिए। आफ्टर रीडिंग द नोटिस आई वेंट फ्यूमिंग टू माई रूम, नोटिस पढ़ने के बाद गुस्से में, फ्यूमिंग टू माई रूम मतलब गुस्से में मैं अपने कमरे में चली गई। आई डिसाइडेड टू इन्फॉर्म दी टॉप मोस्ट पर्सन इन टेलकोस मैनेजमेंट अबाउट दी इनजस्टिस दी कंपनी वॉज परपेट्रेटिंग। वो कह रही है कि मैंने टेलको के प्रबंधन मैनेजमेंट के जो शीर्षस्थ व्यक्ति थे, जो टॉप मोस्ट पर्सन थे मतलब जो शीर्षस्थ व्यक्ति थे, उनको मतलब ये बताने के बारे में कि जो इनजस्टिस है, जो कंपनी इनजस्टिस कर रही है, उसके बारे में बताने के लिए, सूचित करने के लिए मैंने सोचा किसको, जो टॉप मोस्ट पर्सन है टेलको के उनको। आई गॉट ए पोस्ट कार्ड एंड स्टार्टेड टू राइट, मैंने, वो कह रही है कि मैंने एक पोस्ट कार्ड लिया और लिखना शुरू किया। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी, आई डिड नॉट नो हु हैड इट टेलको, कि मुझे नहीं पता था कि टेलको का हेड कौन था, टेलको का मुखिया जो था वो कौन था। आई थॉट इट मस्ट बी वन ऑफ द टाटास, और मैंने सोचा कि पक्का टाटा का, टेलको का जो मुखिया है वो कोई टाटा ही होगा, मतलब टाटा में से ही कोई एक होना चाहिए। I had seen the pictures. I knew JRD Tata was the head of the Tata Group. और मैं जानती थी कि JRD Tata जो है वो टाटा समूह के प्रमुख थे। I had seen his pictures in newspapers. मैंने newspapers में उनकी pictures देखी थी। एक्चुअली सुमंत मूलगांवकर वॉज द कंपनी चेयरमैन देन, एक्चुअली जो है वो सुमंत मूलगांवकर जो थे वो उस समय कंपनी के चेयरमैन थे। कौन थे उस समय कंपनी के चेयरमैन? सुमंत मूलगांवकर। I took the card, addressed it to JRD and started writing. मैंने वो जो कार्ड था, पोस्ट कार्ड जो उन्होंने लाया था लिखने के लिए, वो लिया और JRD को संबोधित करके, एड्रेस होता है संबोधित करना, और JRD को एड्रेस करके उन्होंने वो पोस्ट कार्ड जो था वो started writing, लिखना शुरू कर दिया। टू दिस डे आई रिमेंबर क्लियरली वॉट आई रो, और आज तक मुझे वो याद है स्पष्ट रूप से जो मैंने लिखा था। The great Tatas have always been pioneers. जो great Tatas से महान Tatas थे वो हमेशा अग्रणी, pioneer रहे हैं मतलब अग्रणी रहे हैं। They are the people who started the basic infrastructure industries in India. ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत में जो basic infrastructure industries थे, यानी कि जो बुनियादी ढांचा उद्योग थे, basic infrastructure industries मतलब basic, जो basic मतलब बुनियादी, जो बुनियादी ढांचा उद्योग थे वो किसने शुरू किए थे? Tatas ने शुरू किए थे। सच है, जैसे कि लोहे का, यानी कि आयरन एंड स्टील, लोहा और इस्पात का, केमिकल्स का काम, टेक्सटाइल्स का काम, कपड़े का काम और लोकोमोटिव का काम। वो कह रहे हैं कि जो टाटास हैं, महान टाटा हैं, वो हमेशा अग्रणी रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत में बुनियादी ढांचा उद्योग, जैसे कि लोहा, इस्पात, रसायन यानी कि केमिकल और कपड़ा और लोकोमोटिव का काम शुरू किया। दे हैव केयर्ड फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड सिंस 1900 दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उन्होंने 1900 से लेकर भारत में उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन की देखभाल की है और वे भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब वो कह रही हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना भी तो आपने ही की है और उसमें लड़कियां भी पढ़ती हैं। फॉर्चुनेटली सौभाग्य से आई स्टडी देयर, और सौभाग्य से मैं वहां पढ़ती हूं, यानी कि मैं वहां की छात्रा हूं, मैं वहां स्टडी करती हूं। बट आई एम सरप्राइज्ड हाउ ए कंपनी सच एज टेलको इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि कैसे टेलको जैसी कंपनी जेंडर के बेसिस पर भेदभाव कर रही है, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आई पोस्टेड द लेटर एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मैंने वो पत्र पोस्ट कर दिया और उसके बारे में बिल्कुल भूल गई। लेस देन 10 डेज लेटर, 10 दिन से भी कम समय के बाद आई रिसीव्ड ए टेलीग्राम, मुझे एक टेलीग्राम मिला। भाई तब व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का जमाना तो था नहीं कि फट से मैसेज भेज दिया या फिर वीडियो कॉल कर ली या फिर कॉल कर ली। उस समय जब अगर तुरंत मैसेज भेजना होता था तो टेलीग्राम भेजा जाता था और पोस्ट कार्ड, लेटर उनको जाने में तो काफ़ी टाइम लग जाता था। तो उसने, उनको क्या मिला? उन्होंने मुझे, उन्हें एक टेलीग्राम मिला। आई रिसीव्ड ए टेलीग्राम
स्टेटिंग दैट आई हैड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट टेलकोस पुणे फैसिलिटी एट द कंपनीज एक्सपेंस, कि मुझे कंपनी के खर्च पर टेलको की जो पुणे फैसिलिटी है यानी कि पुणे में जो टेलको की ऑफिस है वहाँ पर इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है, साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है। आई वॉज टेकन अबैक बाई द टेलीग्राम, और मतलब वो जो टेलीग्राम उनको मिला उसको वो पढ़कर टेकन अबैक यानी कि अवाक रह गई। आई वॉज टेकन अबैक बाई द टेलीफोन, और मैं उस टेलीग्राम से अवाक रह गई, एकदम दंग रह गई। माई हॉस्टल मेट्स टोल्ड मी, और मेरे जो हॉस्टल के साथी थी, जो हॉस्टल मेट्स थी, उन्होंने मुझसे कहा आई शुड यूज़ द अपॉर्चुनिटी टू गो टू पुणे फ्री ऑफ कॉस्ट, कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में इस अपॉर्चुनिटी को उपयोग करना चाहिए पुणे जाने की, एंड बाय देम दी फेमस पुणे साड़ीज़ फॉर चीप, और उनके लिए पुणे की जो अच्छी फेमस साड़ियाँ हैं वो सस्ते में खरीदनी चाहिए। मतलब सोचो सुधा मूर्ति जी ने कि उस समय की प्लानिंग वो बता रही है कि अब वो सोचती हैं तो उनको हंसी भी आती है कि उस समय वो इंटरव्यू के लिए नहीं आ रही थी, मतलब साड़ियाँ सस्ती साड़ियाँ खरीदने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट पुणे चले जाएंगे, ये सोच के वो आ रही थी, उनकी फ्रेंड्स ने उनको ऐसा ही बोला करने के लिए। आई कलेक्टेड ₹30 ईच फ्रॉम एवरी वन हु वॉन्टेड ए साड़ी, अब वो कह रही है मैंने उन सभी से ₹30 लिए, मतलब हर एक लड़की से ₹30 लिए जिसको साड़ी चाहिए थी। When I look back, और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, I feel like laughing at the reasons for my going, but back then they seemed good enough to make the trip. तो मतलब वो कह रही है कि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपने जाने के कारणों पर हंसी आती है, लेकिन तब वे यात्रा करने के लिए काफ़ी अच्छे लगते थे। मतलब उस समय उनको क्या लगा कि चलो ठीक है भाई पुणे जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, तो कोई नहीं, फ्रेंड्स के लिए सस्ती साड़ियाँ ही खरीद के लेके आ जाएंगे। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू पुणे, ये मेरी पुणे की पहली यात्रा थी, एंड आई इमीजिएटली फेल इन लव विद द सिटी, और मुझे तुरंत इस शहर से प्यार हो गया। टू दिस डे इट रिमेन्स डियर टू मी, और आज तक ये पुणे का जो शहर है मुझे बहुत ही प्रिय है, पसंद है। आई फील एज मच एट होम, पेज एंड हो गया, नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। आई फील एज मच एट होम इन पुणे एज आई डू इन हुबली, और पुणे में भी वो कह रही है कि मुझे पुणे में भी मैं उतना ही अच्छा महसूस करती हूँ जितना कि मैं हुबली में मेरे होम टाउन में महसूस करती हूँ। द प्लेस चेंज्ड माई लाइफ इन सो मैनी वेज, इस जगह ने मेरे जीवन को इतने सारे तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से जो है वो बदल दिया है। एज डायरेक्टेड, मतलब निर्देशानुसार उनको जैसे जैसे डायरेक्शन मिली थी वैसे, आई वेंट टू टेलकोस पिंपरी ऑफिस फॉर द इंटरव्यू, मैं टेलको के पिंपरी कार्यालय में, मतलब पिंपरी का जो कार्यालय था उसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए मैं गई। देयर वर 6 पीपल ऑन द पैनल एंड आई रियलाइज देन दैट दिस वॉज सीरियस बिजनेस, पैनल में 6 लोग थे और उस समय उनको एहसास हुआ कि यह गंभीर मामला है। मतलब उन्होंने तो नॉर्मली ऐसे ही हंसी मजाक में एक पोस्ट कार्ड जो है पोस्ट कर दिया था, फिर इंटरव्यू के लिए आई तो भी आ गई, लेकिन जब उन्होंने पैनल में 6-6 लोगों को बैठे देखा अपने सामने, उस समय उन्हें ये रियलाइज़ हुआ, ये महसूस हुआ कि नहीं भाई ये तो एक मतलब गंभीर मामला है। This is the girl who wrote to JRD. I heard somebody whisper as soon as I entered the room. यही वो लड़की है जिसने JRD को लिखा था। मैंने कमरे में प्रवेश करते ही किसी की विस्पर सुनी, विस्पर मतलब फुसफुसाहट सुनी। As I entered the room, मतलब जैसे ही वो कमरे में घुसी तो उन्होंने किसी को फुसफुसाते हुए सुना कि भाई यही है वो लड़की जिसने JRD को लिखा था। By then I knew for sure then that I would not get the job. और तब तक मुझे पक्का यकीन था कि भाई मुझे तो नौकरी मिलने वाली है नहीं। That realization abolished all fears of my mind. और उस एहसास ने, उस realization ने, realization मतलब एहसास, और उस एहसास ने abolished मतलब ख़त्म कर दिया, हटा दिया all fears, सभी डरों को from my mind. और उस एहसास ने मेरे दिमाग से सारे डर को खत्म कर दिया। मतलब उनको ये डर तो था नहीं, अरे भाई मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने तो ये मान लिया था कि भाई मैंने तो ये नौकरी मिलनी ही नहीं है। जब उनको ये नौकरी मिलनी ही नहीं थी तो जितने भी डर थे उनके दिमाग से वो सारे के सारे जो हैं वो खत्म हो गए थे। सो आई वॉज रादर कूल वाइल द इंटरव्यू वॉज बींग कंडक्टेड, और मैं एकदम शांत थी जब इंटरव्यू जो था वो, आई वॉज रादर कूल, मैं आराम से एकदम बिल्कुल शांत थी जब इंटरव्यू चल रहा था। Even before the interview started, और इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही I reckoned the panel was biased. मैंने ये मान लिया था कि जो पैनल था वो biased था यानी कि पक्षपाती था। So I told them, इसलिए मैंने उन्हें कहा rather impolitely, एकदम अशिष्टता के साथ, politely होता है शिष्टतापूर्वक और impolitely होता है अशिष्टतापूर्वक, मैंने एकदम बिल्कुल अशिष्टता के साथ उनको बोल दिया I hope this is only a technical interview. मुझे लगता है कि ये केवल एक तकनीकी साक्षात्कार है। They were taken aback by my rudeness. और वो
मेरे मतलब मेरी बदतमीजी से, मेरी अशिष्टता से वो एकदम चकित रह गए कि भाई देखो कैसे बोल रही है। एंड इवन टुडे और आज भी आई एम अशैम्ड अबाउट माई एटीट्यूड। लेकिन अब वो याद करती हैं तो वो कहती हैं कि आज भी मुझे अपने व्यवहार पर बहुत शर्म आती है कि मैंने कैसा रूड व्यवहार किया था वहाँ पर। दी पैनल आस्क्ड मी टेक्निकल क्वेश्चंस एंड आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम। पैनल ने तकनीकी जो टेक्निकल लोग वहाँ पर बैठे थे, जो पैनल जो टीम बैठी थी, उन्होंने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल तकनीकी प्रश्न पूछे और मैंने उन सभी का उत्तर दे दिया। देन एन एल्डरली जेंटलमैन विद एन अफेक्शनेट वॉइस टोल्ड मी। और तब एक बूढ़े व्यक्ति ने, एक बुजुर्ग सज्जन ने बहुत ही स्नेह भरे स्वर में, यानी कि अफेक्शनेट मतलब बहुत ही स्नेह भरे वॉइस आवाज, बहुत ही स्नेह भरे स्वर में मुझे कहा, डू यू नो वाई वी सेड लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई। क्या आप जानते हैं कि हमने क्यों कहा था कि महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है? द रीजन इज दैट वी हैव नेवर एम्प्लॉयड एनी लेडीज ऑन दी शॉप फ्लोर। वो कह रहे हैं कि कारण ये है कि हमने कभी किसी महिला को शॉप फ्लोर पर काम पर नहीं रखा है। शॉप फ्लोर होती है फैक्ट्री, कारखाना। दिस इज नॉट ए कोएड कॉलेज, दिस इज़ ए फैक्ट्री। ये को एजुकेशन जो मतलब जहाँ पर लड़के लड़की दोनों एक साथ पढ़ते हैं, वो कह रही है कि ये कोई को एजुकेशन, वो कह रहे हैं उनको, सुधा जी को, कि ये कोई को एजुकेशन कॉलेज नहीं है, दिस इज़ ए फैक्ट्री, ये तो एक कारखाना है। व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स, जब एकेडमिक्स की बात आती है, मतलब वो कह रहे हैं कि जब एकेडमिक्स की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, यू आर फर्स्ट रैंकर थ्रू आउट, तो आप हर जगह प्रथम रैंकर होते हैं, मतलब प्रथम लेडीज़ को स्थान दिया जाता है। वी अप्रिशिएट दैट बट पीपल लाइक यू शुड वर्क इन रिसर्च लेबोरेटरी। हम इसकी सराहना करते हैं लेकिन आप जैसे लोगों को, मतलब वो सुधा जी को कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों को जो है रिसर्च लेबोरेटरीज में काम करना चाहिए, न कि कारखानों में। आई वॉज ए यंग गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हुबली। मैं छोटे शहर हुबली की एक युवा लड़की थी। माई वर्ल्ड हैड बीन ए लिमिटेड प्लेस, और मेरी दुनिया बहुत सीमित थी। लिमिटेड प्लेस मतलब एक सीमित जगह थी। आई डिडंट नो द वेज ऑफ लार्ज कॉरपोरेट हाउसेज एंड देयर डिफिकल्टीज, सो आई आंसर्ड। मैं बड़े कॉरपोरेट घरानों के तौर तरीके और उनकी मुश्किलें नहीं जानती थी, इसलिए मैंने जवाब दिया। डिफिकल्टीज मतलब मुश्किलें, वेज ऑफ लार्ज कॉरपोरेट मतलब जो तौर तरीके थे बड़े घरानों के, वो नहीं जानती थी उनको, और इसलिए उन्होंने क्या जवाब दिया, बट यू मस्ट स्टार्ट समवेयर अदरवाइज नो वुमेन विल एवर बी एबल टू वर्क इन योर फैक्ट्रीज। लेकिन वो क्या जवाब देती हैं, लेकिन आपको कहीं तो शुरुआत करनी चाहिए, नहीं तो कोई भी महिला आपके कारखानों में कभी काम नहीं कर पाएगी। फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग इंटरव्यू, एक लंबे साक्षात्कार के, एक लंबे इंटरव्यू के बाद, आई वॉज टोल्ड आई हैड बीन सक्सेसफुल, और मुझे ये बताया गया था कि मैं सफल थी, यानी कि वो इंटरव्यू में सक्सेसफुल थी। सो दिस वॉज वॉट द फ्यूचर हैड इन स्टोर फॉर मी, और यही था जो मेरे लिए भविष्य में था। मतलब वो कहाँ तो उनकी क्या क्या प्लानिंग थी कि मैं डॉक्टरेट करूँगी, US जाऊँगी, वहीं पर पढ़ूंगी, इंडिया में काम करने का, नौकरी करने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन भविष्य ने उनके लिए क्या रखा था, यही था वो। नेवर हैड आई थॉट आई वुड टेक अप ए जॉब इन पुणे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पुणे में एक नौकरी लूंगी, जॉब लूंगी। दैट सिटी चेंज्ड माई लाइफ इन मैनी वेज, इस शहर ने बहुत तरीकों से मेरे जीवन को बदल दिया। आई मेट ए यंग मैन फ्रॉम कर्नाटका देयर, वी बिकेम गुड फ्रेंड्स एंड वी गॉट मैरिड। मैं उस शहर ने मेरे जीवन को कई तरह से बदल दिया। वहाँ मेरी मुलाकात कर्नाटक के एक शर्मीले लड़के से हुई, हम अच्छे दोस्त बन गए और हमने शादी कर ली। इट वॉज ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग टेल्को ज्वाइन करने के बाद आई रियलाइज्ड हु JRD वॉज, मतलब टेल्को में शामिल होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि JRD कौन थे। दी अनक्राउंड किंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग के बेताज बादशाह, अनक्राउंड किंग मतलब बेताज बादशाह इंडियन इंडस्ट्री के। नाउ आई वॉज स्केयर्ड, और अब मैं बहुत डर गई थी। बट आई डिडंट गेट टू मीट हिम टिल आई वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे, लेकिन जब तक मेरा तबादला ट्रांसफर बम्बई नहीं हो गया तब तक मैं उनसे नहीं मिल सकी। वन डे आई हैड टू शो सम रिपोर्ट्स टू मिस्टर मूलगांवकर, अवर चेयरमैन, सुमंत मूलगांवकर इनका नाम है, पीछे इनका आया था ना फर्स्ट पेज पे, कि कह रही है कि वन डे आई हैड टू, मुझे एक दिन कुछ पेपर जो थे, ज़रूरी पेपर जो है किसको दिखाने थे, हमारे जो अध्यक्ष चेयरमैन थे मूलगांवकर, उनको कुछ रिपोर्ट दिखानी थी, हु ऑल न्यू एज SM, जिन्हें सब SM के नाम से जानते थे। आई वॉज इन हिज ऑफिस ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ बॉम्बे हाउस, मैं बॉम्बे हाउस में उनके ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर थी, फर्स्ट फ्लोर पर उनका ऑफिस था उसमें थी, इन द टाटा हेडक्वार्टर्स, जो कि टाटा हेडक्वार्टर्स में।
व्हेन सडनली जेआरडी वॉक्ड इन, तब अचानक जेआरडी जो थे वो टाटा, मतलब जो जेआरडी थे वो अंदर आए. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई सा एप्रो जेआरडी, तब मैंने पहली बार एप्रो जेआरडी को देखा. देखिए मैंने आपको एप्रो का मतलब बताया था ना, यहाँ पर फिर से दिया हुआ है. एप्रो मीन्स अवर इन गुजराती, गुजराती में एप्रो का मतलब होता है हमारा. दैट वॉज द अफेक्शनेट टर्म बाई विच पीपल एट बॉम्बे हाउस कॉल्ड हिम. और ये बहुत मतलब बॉम्बे हाउस में लोग उन्हें इसी स्नेहपूर्ण शब्द से बुलाते थे. कौन से स्नेहपूर्ण शब्द से? एप्रो जे आर डी. पेज एंड हो गया, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं. आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत नर्वस बहुत उदास महसूस कर रही थी. रिमेंबरिंग माई पोस्ट कार्ड एपिसोड, अपने पोस्ट कार्ड वाले एपिसोड को याद करते हुए मैं बहुत उदास महसूस कर रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी. एस एम इंट्रोड्यूस्ड मी नाइसली, एस एम ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया, पेश किया. जे जे मत, दैट्स वॉट हिज क्लोज एसोसिएट्स कॉल्ड हिम. और जे, उन्होंने एस एम ने उनको किस नाम से संबोधित किया? जे. उनके जो क्लोज एसोसिएट्स थे, उनके जो करीबी सहयोगी थे, वे उनको इसी नाम से बुलाते थे. एस एम ने उनको कहा, जे दिस यंग वूमेन इज एन इंजीनियर एंड दैट टू ए पोस्ट ग्रेजुएट, कि ये एक युवती जो है वो इंजीनियर है और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर है ये. शी इज द फर्स्ट वुमेन टू वर्क ऑन द टेलको शॉप फ्लोर, और ये पहली महिला है जो टेलको के शॉप फ्लोर पर काम करने वाली, ये पहली महिला है. जे आर डी लुक्ड एट मी, जे आर डी ने मेरी तरफ देखा. आई वॉज प्रेइंग ही वुड नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट माई इंटरव्यू, अबाउट माई इंटरव्यू और द पोस्ट कार्ड दैट प्रीसीडेड इट. और मतलब वो मन मन में क्या सोच रही थी, मतलब वो बोल रही थी कि मतलब मैं प्रार्थना कर रही थी मन मन में कि मुझसे मेरे साक्षात्कार इंटरव्यू के बारे में या उस पहले वाले पोस्ट कार्ड के बारे में वे उससे कुछ ना पूछे, ऐसा वो मन मन में प्रार्थना कर रही थी. थैंकफुली ही डिडंट, और वो कह रही है कि शुक्र है उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा. इंस्टीड ही रिमार्क्ड, इसके बजाय उन्होंने टिप्पणी की, इट इज़ नाइट दैट गर्ल्स आर गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग इन अवर कंट्री, कि बहुत अच्छा है कि हमारे देश में लड़कियां जो है वो इंजीनियरिंग में जा रही है. बाय द वे व्हाट्स योर नेम, बाय द वे आपका नाम क्या है, खैर तुम्हारा नाम क्या है? When I joined Telco, I was Sudha Kulkarni sir, I replied. Now I am Sudha Murthy. अब वो कहती हैं कि जब मैंने Telco join किया था तो मैं सुधा कुलकर्णी थी सर, और अब मैं सुधा मूर्ति हूँ, क्योंकि नारायण मूर्ति से शादी करने के बाद उनका नाम हो गया सुधा मूर्ति, और पहले उनका नाम था सुधा कुलकर्णी. He smiled that kindly smile and started a discussion with SM. वो मुस्कुराए, उस दयालु मुस्कान और मुस्कुराए, और SM के साथ उन्होंने जो थी चर्चा शुरू कर दी. As for me, मेरे लिए, आई ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ द रूम, और मैं तो लगभग कमरे से बाहर ही भाग गई. आफ्टर दैट आई यूज़ टू सी जे आर डी ऑन एंड ऑफ, उसके बाद मैं, वो कह रही है उसके बाद मैं जे आर डी को बार बार देखती थी. ही वॉज द टाटा ग्रुप चेयरमैन एंड आई वॉज नियरली एन इंजीनियर, वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे और मैं महज एक इंजीनियर थी. There was nothing that we had in common. हम दोनों के बीच में, हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं था, समान नहीं था. I was in awe of him. मैं उनसे विस्मय में थी. One day I was waiting for Murthy, my husband, to pick me up after office hours. एक दिन ऑफिस कार्यालय का समय पूरा होने के बाद मैं अपने हस्बैंड मूर्ति का वेट कर रही थी टू पिक मी अप, मुझे लेने आने के लिए. टू माई सरप्राइज, और मैं आश्चर्यचकित थी, आई सॉ जे आर डी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, और मैंने देखा कि मेरे बगल में जे आर डी खड़े हुए थे. आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ. येट अगेन आई स्टार्टेड वरिंग अबाउट दैट पोस्ट कार्ड, और फिर से मुझे उस पोस्ट कार्ड की चिंता होने लगी. लुकिंग बैक, पीछे देखती हूँ आई रियलाइज़, और फिर पीछे देखती हूँ तो आई रियलाइज़, मुझे ये रियलाइज़ होता है जे आर डी हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, कि जे आर डी जो है वो उसके बारे में बिल्कुल भूल गए हैं. इट मस्ट हैव बीन ए स्मॉल इंसिडेंट फॉर हिम, बट नॉट सो फॉर मी, उनके लिए ये एक छोटी सी घटना रही होगी लेकिन मेरे लिए नहीं. यंग लेडी वाई आर यू हियर, ही आस्ट, उन्होंने पूछा कि युवती तुम यहाँ क्यों खड़ी हो. ऑफिस टाइम इज़ ऑफर, कार्यालय का जो समय है ऑफिस टाइम जो है सर वो फिनिश हो गया, आई सेड, मैंने कहा. सर आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड टू कम एंड पिक मी अप, और उसने कहा कि सर मैं अपने पति का मुझे लेने आने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, वो मुझे लेने के लिए आने वाले हैं. जे आर डी सेड, जे आर डी ने कहा, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, एंड देर इज़ नो वन इन द कॉरिडोर, और कॉरिडोर में कोई भी नहीं है. आई विल वेट विद यू टिल योर हस्बैंड कम्स, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पति के आने तक प्रतीक्षा करूँगा. मतलब जे आर डी ने उनसे कहा कि हाँ अकेली हो तुम, कोई भी नहीं है, अंधेरा हो रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ यहीं पर वेट करूंगा जब तक कि तुम्हारे हस्बैंड नहीं आ जाते. आई वॉज क्वाइट यूज टू वेटिंग फॉर मूर्ति,
वो कह रही हैं कि मुझे तो मूर्ति के आने की एक इंतज़ार करने की आदत हो गई थी, मतलब मुझे मैं आदी हो चुकी थी, बट हैविंग JRD वेटिंग अलॉन्ग साइड मेड मी एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल। लेकिन JRD के साथ इंतज़ार करने से मैं बेहद असहज एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही थी। आई वॉज नर्वस, मैं घबरा गई थी। आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ माई आई आई लुक्ड एट हिम, और मैंने अपनी आँख के कोने से मतलब नज़र बचा के उनकी तरफ देखा। ही वोर ए सिंपल वाइट पैंट एंड शर्ट, उन्होंने एक साधारण सफ़ेद पैंट और शर्ट पहनी थी। ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़े थे, येट हिज फेस वॉज ग्लोइंग, तो भी उनका चेहरा जो था वो दमक रहा था। देयर वॉजंट एनी एयर ऑफ सुपीरियरिटी अबाउट हिम, और उनकी मतलब उनको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे बहुत श्रेष्ठ हैं, मतलब उनको देखकर श्रेष्ठता का आभास नहीं होता था। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रही थी, लुक एट दिस पर्सन, इस व्यक्ति की तरफ देखो, ही इज़ ए चेयरमैन, ये एक चेयरमैन है, ए वेल रिस्पेक्टेड मैन इन अवर कंट्री, हमारे देश का एक मतलब बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, एंड ही इज़ वेटिंग फॉर द सेक ऑफ एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, और एक वह एक साधारण कर्मचारी की खातिर इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख के कि इतना बड़ा आदमी जो कि एक चेयरमैन है और एक साधारण से एम्प्लॉय के लिए जो है वो प्रतीक्षा कर रहा है। देन आई सॉ मूर्ति एंड आई रश्ड आउट, फिर मैंने मूर्ति को देखा और मैं बाहर निकल गई। JRD कॉल्ड एंड सेड, JRD ने फ़ोन किया और कहा, यंग लेडी टेल योर हस्बैंड नेवर टू मेक हिज वाइफ वेट अगेन, कि युवती अपने पति से कहो कि वे अपनी पत्नी को दोबारा इंतजार ना कराए। इन 1982 आई हैड टू रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब एट टेल्को, और 1982 में मुझे टेल्को में अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, रिज़ाइन मतलब इस्तीफा देना पड़ा। आई वॉज रिलुक्टेंट, रिलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, आई वॉज रिलुक्टेंट टू गो, मैं जाने की अनिच्छुक थी, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी इस्तीफा देने की, बट आई रियली डिड नॉट हैव ए चॉइस, लेकिन मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। आई वॉज कमिंग डाउन द स्टेप्स ऑफ बॉम्बे हाउस आफ्टर रैपिंग अप माई फाइनल सेटलमेंट, अपना जो है अंतिम समझौता था उसे पूरा करने के बाद मैं बॉम्बे हाउस की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वैन आई पेज एंड हो गया, नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। When I saw JRD coming up, जब मैंने JRD को ऊपर आते हुए देखा, he was absorbed in thought, I wanted to say goodbye to him, so I stopped. वो अपने विचारों में डूबे हुए थे, मतलब वो सोच में डूबे हुए थे, कुछ सोच रहे थे, मैं उनको अलविदा कहना चाहती थी इसलिए मैं रुक गई। सर ही सॉ मी एंड पॉज्ड, उन्होंने मुझे देखा और रुक गए। जेंटली सेड, विनम्रता से बड़े प्यार से उन्होंने कहा, सो वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, तो आप क्या कर रही हैं मिसेस कुलकर्णी। दैट वॉज द वे ही ऑलवेज एड्रेस्ड मी, वे हमेशा मुझे इसी तरह से संबोधित करते थे। सर आई एम लिविंग टेल्को, सर मैं टेल्को छोड़ रही हूँ। वेयर आर यू गोइंग ही आस्क, आप कहाँ जा रही हो, उन्होंने पूछा। पुणे सर, पुणे जा रही हूँ सर, माई हस्बैंड इज स्टार्टिंग ए कंपनी कॉल्ड इन्फोसिस एंड आई एम शिफ्टिंग टू पुणे, मेरे पति इन्फोसिस नाम की एक कंपनी शुरू कर रहे हैं और मैं पुणे जा रही हूँ। ओ एंड व्हाट यू विल डू व्हेन यू आर सक्सेसफुल, और जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम क्या करोगे। सर आई डोंट नो वेदर वी विल बी सक्सेसफुल, और सुधा जी जवाब देती हैं कि सर मैं नहीं जानती कि हम सफल होंगे भी या नहीं। अब देखिए टाटा उनको कितना अच्छा जवाब देते हैं, नेवर स्टार्ट विद डिफिडेंस ही एडवाइज्ड मी, और उन्होंने मुझे सलाह दी कि कभी भी डर के साथ शुरू मत करो, कभी भी डर के साथ शुरुआत मत करो, ऑलवेज स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस, हमेशा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करें। When you are successful, you must give back to society. और जब आप सफल होते हैं तो आपको समाज को वापस देना चाहिए। Society gives us so much, समाज हमें इतना देता है। We must reciprocate. Reciprocate का मतलब होता है आदान प्रदान, मतलब वो कहने जब समाज हमें इतना देता है तो हमें पारस्परिक होना चाहिए, मतलब हमें भी समाज को लौटाना चाहिए। I wish you all the best, मैं तुम्हारे लिए all the best मतलब सर्वोत्तम की कामना करता हूँ। और देखिए आज भी इन्फोसिस वाले जो हैं वो एक NGO चला रहे हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनकी फाउंडेशन बहुत अच्छे अच्छे कार्य करती है। देन JRD कंटिन्यूड वॉकिंग अप द स्टेयर्स, और उन्होंने अपनी सीढ़ियाँ जो थी वो चढ़ते हुए ऊपर चले गए। आई स्टूड देयर फॉर व्हाट सीम्ड लाइक ए मिलेनियम, और मैं वहाँ ही खड़ी थी और वो मुझे एक मिलेनियम जैसा, एक शताब्दी जैसा लग रहा था। दैट वॉज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम अलाइव, और वो अंतिम बार था जब मैंने उन्हें आखिरी बार जीवित देखा था। मैनी ईयर्स लेटर आई मेट रतन टाटा इन द सेम बॉम्बे ऑफिस, और सालों बाद, कई साल बाद वो कह रही हैं कि मैं रतन टाटा जी से उसी ऑफिस बॉम्बे कार्यालय में मिली।
ऑक्यूपाइंग द चेयर JRD वंस डिड, जहाँ पर एक बार JRD जो है उसी चेयर को ऑक्यूपाई करते थे, मतलब उस चेयर पर पहले JRD बैठा करते थे। आई टोल्ड हिम ऑफ माई मैनी स्वीट मेमोरीज ऑफ वर्किंग विद टेल्को, और उन्होंने जो रतन टाटा हैं जिनसे वो मिली थी, उनको अपने टेल्को के साथ काम करने के बहुत सारे सुखद मीठी यादों के बारे में बताया। लेटर ही रोट टू मी, बाद में उन्होंने मुझे लिखा, इट वॉज नाइस लिसनिंग अबाउट जे फ्रॉम यू, कि जे के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। दुख की बात यह है, दुख की बात यह है दैट ही इज नॉट अलाइव टू सी यू टूडे, कि अब वो आपको देखने के लिए जीवित नहीं है। अब आप उनको, मतलब आप उनसे नहीं मिल पाएंगी, वो अब आपको देखने के लिए जीवित नहीं है, मतलब वो नहीं रहे थे। आई कंसिडर JRD ए ग्रेट मैन, मैं JRD को, मतलब वो कह रही है कि मैं JRD को जो है बहुत ही महान व्यक्ति मानती हूँ, डिस्पाइट बीइंग एन एक्सट्रीमली बिजी पर्सन, क्योंकि बेहद व्यस्त व्यक्ति होने के बावजूद भी ही वैल्यूड वन पोस्ट कार्ड रिटन बाई ए यंग गर्ल सीकिंग जस्टिस, उन्होंने न्याय मांगने वाली एक युवा लड़की के द्वारा लिखे गए उस पोस्ट कार्ड को बहुत वैल्यू दी थी, बहुत महत्व दिया था। ही मस्ट हैव रिसीव थाउजेंड्स ऑफ लेटर एवरी डे, उन्हें हर दिन हजारों मिलते होंगे। ही कुड हैव थ्रोन माइन अवे, और उन्होंने कहा कि वो मेरा जो पत्र है वो उसे फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट ही डिडंट डू दैट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही रिस्पेक्टेड द इंटेंशन ऑफ दैट अननोन गर्ल, उन्होंने उस अजनबी लड़की का, अननोन मतलब उस अपरिचित अननोन लड़की के लेटर इरादों का सम्मान किया था। इंटेंशंस मतलब इरादे, उस लड़की के इंटेंशंस का, इरादों का सम्मान किया। हु हैड नाइदर इन्फ्लुएंस नोर मनी, जिसके पास ना तो इन्फ्लुएंस था यानी कि प्रभाव था, नॉर मनी, और ना ही उसके पास पैसा था। एंड गेव हर एन अपॉर्चुनिटी इन हिज कंपनी, और उसे अपनी कंपनी में एक मौका दिया, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका दिया, इन हिज कंपनी उसे एक अवसर दिया, एक मौका दिया अपनी कंपनी में। ही डिडंट मियरली गिव हर ए जॉब, उन्होंने उसे सिर्फ जॉब नहीं दी, ही चेंज हर लाइफ एंड माइंड सेट फॉर एवर, उन्होंने हमेशा के लिए उसका जीवन बदल दिया और माइंड सेट चेंज कर दिया। Close to 50% of the students in today's engineering college are girls. आज के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वो 50% जो हैं वो लड़कियां हैं, एंड देयर आर वीमेन ऑन द शॉप फ्लोर इन मैनी इंडस्ट्री सेगमेंट्स, और कई उद्योग क्षेत्रों में, इंडस्ट्री सेगमेंट्स मीन्स उद्योग क्षेत्र, और कई उद्योग क्षेत्रों के जो शॉप फ्लोर हैं यानी कि कारखाने हैं उनमें महिलाएँ काम कर रही हैं। आई सी दी चेंजेज एंड आई थिंक ऑफ JRD, जब मैं इन बदलावों के को देखती हूँ तो JRD के बारे में सोचती हूँ। इफ एट ऑल टाइम स्टॉप्स एंड आस्क मी, यदि समय रुक जाए और मुझसे पूछे व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ, कि मुझे जीवन से क्या चाहिए, आई वुड से आई विश JRD वर अलाइव टुडे टू सी हाउ द कंपनी वॉज वी स्टार्टेड हैज ग्रोन, कि अगर JRD जिंदा होते तो वो ये देखने के लिए कि हमने जो कंपनी शुरू की थी वो किस तरीके से बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है वो कंपनी। ही वुड हैव एन्जॉयड इट होल हार्टेडली, और उन्होंने पूरे दिल से, पूरे मन से इसका आनंद लिया होता। वी लव एंड रिस्पेक्ट फॉर दी हाउस ऑफ टाटास रिमेन्स अनडिमिनिश्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ, मतलब समय तो बीतता चला गया लेकिन समय बीतने के साथ साथ टाटा हाउस के लिए मेरा प्यार और सम्मान जो है वो कम नहीं हुआ। आई ऑलवेज लुकड अप टू JRD, मैं हमेशा JRD की ओर देखा। आई सॉ हिम एज ए रोल मॉडल, और मैं उन्हें हमेशा एक रोल मॉडल के रूप में देखती हूँ। फॉर हिज सिंप्लिसिटी, उनकी सादगी के लिए, हिज जेनरसिटी, उनकी सिंप्लिसिटी के लिए, उनकी दयालुता के लिए, हिज काइंडनेस एंड केयर एंड द केयर ही टुक ऑफ हिज एम्प्लॉई, और उस केयर के लिए जो वो अपने एम्प्लॉयज़ की करते थे। दोज ब्लू आइज ऑलवेज रिमाइंडेड मी ऑफ द स्काई, दे हैड द सेम वास्टनेस एंड म्यूनिफिसेंस, और मुझे हमेशा वो नीली आँखें उस आसमान की याद दिलाती थी, उनमें वैसी ही विशालता, वास्टनेस और उदारता, म्यूनिफिसेंस थी। तो ये था आपका चैप्टर अप्रोच JRD, जो कि आपकी सक्सेस एवेन्यू की बुक से लिया गया है। फुल ऐसे आपको मैंने रीड करके सुनाया, साथ ही साथ मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी बता दिए। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, लेट मी शो यू, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। आपको इस सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Unit 3 फॉर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी, बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वो, और पोएट्री सभी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।